हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजेड फूड एंड लाइफ। आज फिर असी लैके आ गए नो कुकिंग रेसिपी, जेडी की मेरी डाइनिंग ते बैठ के बनती है और लोड नहीं मैंने चूल्हे को जान दी। एज प्रॉमिस्ड मैं क्या सी कि मैं हेल्दी रेसिपीज लेके आवांगी, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी रेसिपी आई एम शोइंग टूडे। और बहुत ही मॉडर्न भी है, नवी चीज नाल है और अच्छी भी बनती है और गुणकारी भी बहुत है। बहुत ही फायदे हैं इस फ्रूट दे और जो मैं यूज करने वाली हाँ। सो आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। ये है मेरे को एवोकाडो और इनू मैं कट करके, मैं एक कट ये मार लिया सीगा, इनू एवें तुसी कट करके अच्छी तरह इनू ओपन करके एवें घुमा के ओपन करोगे तो सीड विच निकलेगा ते सोहना बड़ा हुंदा है ग्रीन कलर का। तो इनू आप कढ़ लेना, इनू ये करके ना ईजीली निकल जाता है, सॉफ्ट हुंदा है। थोड़ा जा इनू एवें साइड तो चाकू ना करके और एवें तुसी इनू कढ़ लेना और फिर उस तो बाद इनू असी करांगे मैश। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਐਵੋਕੈਡੋ ਨੂੰ। ਸੀ ਦਾ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਮੀ ਬਟਰੀ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਪਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੋਕੈਡੋ ਉਹਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੰਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੀ ਚੈਰੀ ਟਮੈਟੋਜ਼ ਨੂੰ, ਹਾਫ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ। ये मैं हाफ कर ले सारे चैरी टोमैटो, वेरी प्रिटी, बहुत सोहना जहा कलर है इन्हों का और बहुत सोहने लगते हैं ये। और इस तो बाद मैं ब्रेड ग्रिल करांगी दो टोस्ट। ये मेरे को ला अमेरिकाना दी होल वीट मल्टीग्रेन ब्रेड है, ये बहुत ही हेल्दी ब्रेड है, मैदा नहीं है बिल्कुल भी और होल वीट है, आटा है और बाकी मल्टीग्रेन्स हैं बहुत सारे और बहुत ही टेस्टी ब्रेड होंगी और बहुत ही फ्रेश। ये ब्रेड सी दिस इज ए विच सीड्स वगैरह भी सारे होंगे मल्टीग्रेन है ना, तो ये मैं हल्का जो ऑलिव ऑयल लगा के इनू ग्रिल करना है आप, या टोस्ट भी कर सकते हो जिदे कोल टोस्टर है। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਟੋਸਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਐਵੋਕੈਡੋ ਟੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਇਟ ਲੁੱਕਸ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਵੈਰੀ ਯਮੀ। ਐਵੋਕੈਡੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਪੀਪਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਯੋਰ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हेल्दी हुंदा, बहुत ही ये एंटी ऑक्सीडेंट हुंदा, सो इट इज़ वेरी गुड जे तुसी इनू कंज्यूम करो। ये इंपोर्टेड भी मिलता, अजकल लोकल भी मिलन लग गया। मैं जनचूरी देवा, बट दैट्स फाइन, हो गया ये ईजी। हाँ है, कोई इन्ना वो नहीं है ये। तो ये उत्ते जी फर्स्ट टॉपिंग है वह मैं लगा रही हूँ चैरी टोमैटोस। ठीक है, थोड़े जे तो आप चेरी टमैटोस लगा लेने हैं और ये उत्ते पा लेनी है थोड़ा जा लेमन, हल्का जा बिल्कुल, देन सॉल्ट, देन ब्लैक पेपर, then I have my oregano seasoning, and I have this garlic powder, and a bit of this is virgin olive oil I'm using. So this is my one type
एंड सेकंड ली असी दी नेक्स्ट टॉपिंग लई एवोकाडो तो आपां लगाना ही लगाना है जी एंड इनू अच्छी तरह स्प्रेड कर लेना है। देखो ये ऑलरेडी बटरी टेक्सचर होंदा ना इहदा, तां देखो किवें मैश हो रहा है अपना ईजीली, बहुत ईजीली। जिहड़ा बिल्कुल राइप्ड हुंदा ना वो तो होर भी क्रीमी हुंदा है। ये ओके ओके है और इनू पूरा अच्छी तरह असी स्प्रेड कर लेना। तुहाडी इच्छा जिन्ना मर्जी लगाओ एवोकाडो, मेरे दो टोस्टी बनाने हैं इसलिए मैं ये कंप्लीट लगा रही हूँ। इतने जिन्होंने मैं सुनिया एवोकाडो के बाहर बाहर होंगे, बाहर बाग होंगे, बाहर बाहर बनिया बाहर, ये एवोकाडो स्मूदी, एवोकाडो ये, एवोकाडो वो, सब कुछ मिलता होते हैं एवोकाडो। ये मेरे को ये ना ये गार्लिक का कॉम्बीनेशन बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ये क्रश्ड गार्लिक पा रही हूँ। जिन्होंने मैं तो कभी नहीं खाधा, तुम कितनी बार खाने हो? मैं हफ्ते च एक अद्धी बार तो खा ही लैनी हूँ। इट इज़ सी एक पीस इतने इंडिया च, ये मैं कपारी क्यूकुंबर, ये एक पीस इंडिया च आई गेट इट फॉर 110 to 140 rupees वन पीस। अच्छा, यस दिस इज इंपोर्टेड जिहड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं बिग बास्केट या ब्लिंकिट तो मैं ईजीली अवेलेबल होंगे। ये तो सॉल्ट पाता मैं और ब्लैक पेपर मैं पाती और ये मैं गार्लिक पाउडर नहीं पा रही, ये मैं चिली फ्लेक्स पा रही हूँ क्योंकि आप गार्लिक ये पा लिया और थोड़ा जा लेमन ये भी पाऊंगी क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा लगता है लेमन नाल। और ये मेरे को है फ्रेश बेजिल लीव्स, ये ना तुलसी दी फैमिली चो हुंदी है बेजिल एंड इट स्मेल्स रियली नाइस एंड इट टेस्ट ऑल्सो वेरी नाइस। इनू आप एवं ही कंज्यूम कर सकते होंगे। काफ़ी सुनिया भी होएगा कि तुसी बेजिल दे पत्ते आप पास्ता वगैरह च भी यूज करते हैं और ये मैं इनू ये थोड़ा जा लगा के एंड विल सर्व लाइक दिस एंड इट टेस्ट वेरी वेरी गुड। बाकी थोड़ी मर्जी जो तुसी ऐड करना चाहो तुसी कर सकते हो। लो जी, टू वेज एवोकाडो टोस्ट, टू वेज, परफेक्ट फॉर ब्रेकफास्ट, परफेक्ट फॉर एनी स्नैक टाइम। तुसी चाहते हो ना कि हेल्दी खाना तो तुसी खा सकते। सो मैं तो हूँ ये बनाया तो मैं तो हूँ यही खावगी और बहुत ही टेस्टी लगता मैनू तो। एंड लेट्स टेस्ट। सुपर क्रंची ब्रेड जी पूरी क्रंच करके खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है एंड देन टोमैटो देन क्रीमी टेक्सचर इट टेस्ट रियली वेन इट इट इज सो हेल्दी फॉर यू। तो जरूर बनाओ खाओ एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम ऑल्सो विद सेम नेम TZ फूड एंड लाइफ। एंड फॉर मोर मॉडर्न रेसिपीज जो तुम चाहते हो मैं बनावा, डू कमेंट कि मैं होर बनावा मॉडर्न रेसिपीज। बाय बाय।